उड़ीसा की पहली मुस्लिम महिला विधायक सोफिया फिरदौस के हो रहे हैं खूब चर्चे। बाराबती कटक से विजयी उम्मीदवार और उड़ीसा की पहली मुस्लिम महिला विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा कि मैं अपने शहर कटक की एक गौरवान्वित बेटी हूं। कटक के लोगों ने अपनी बेटी पर भरोसा किया है और उन्होंने मुझे वोट दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने कटक के लिए काम करना चाहूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने शहर में बहुत कुछ जोड़ने में सक्षम होंगे। सबसे पहले मैं कटक की बेटी हूँ। कटक की बेटी के हिसाब से लोग मुझे देखे हैं, मुझे परखे हैं। मेरे पिता जो विधायक थे मोहम्मद मुकीम, उनका काम देखे हैं, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देखे हैं, सब कुछ देख के वोट दिए हैं। और राजनीति में आने के पहले भी आप अगर मेरा प्रोफाइल वगैरह देखेंगे, मेरा एक्टिविटीज देखेंगे, एक प्राउड ओडिया, प्राउड इंडियन के हिसाब से मैं हमेशा अपना ओडिया कल्चर को प्रमोट की हूँ। बहुत सारे माध्यम में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे सोशल संस्था है वो सब में भी बहुत प्रमोट किए हैं हम। हमारा फूड हो गया, हमारा कल्चर हो गया, हमारा ड्रेसिंग सेंस। सो एक बहुत गर्व फील हो रहा है कि एक ओडिया, एक कटक की बेटी के हिसाब से कटक वाले मुझे चुने हैं, मुझे इस जिम्मेदारी दिए हैं। और आपको पता होगा कटक में 52 ईयर्स के पहले जो हमारे फीमेल विमेन चीफ मिनिस्टर थी नंदिनी सतपति जी, वो भी इसी सीट से एमएलए बन के सीएम बनी थी। तो लोगों का एक इच्छा था कि नहीं, इतने सालों से एक महिला नहीं आई है, सो एक महिला के आने का बहुत जरूरी है कटक में। तो क्या महिला के लिए क्या है, क्या उम्मीद रखी, क्या काम करेंगे? महिलाओं के लिए बहुत सारा काम करना है। जैसे कि गवर्नमेंट के जो पुराने स्कीम्स थे वो बहुत सारे स्कीम ग्रास रूट लेवल पे लोगों तक नहीं पहुंचा। इस बार 11 विधायक हैं असेंबली में, तो हम लोग सब मिलके महिलाओं के लिए जो प्रॉपर स्कीम्स लेके आएंगे, ताकि स्टार्टिंग फ्रॉम अ गर्ल चाइल्ड, ताकि बच्चों को भी किस तरह से प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए। आप स्कूल्स देखिए, स्कूल्स बन गए हैं लेकिन टीचर्स प्रॉपर नहीं है, कॉलेज को एक्सेस मिल पाए। स्किलिंग एक बड़ा मुद्दा है। जैसे भुवनेश्वर में वर्ल्ड स्किल सेंटर बन गया है, वैसे ही स्किल सेंटर्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अगर आ जाएंगे तो वहां पे लड़कियां भी प्लस यूथ, नौजवान लड़के भी, सब लोग जाके स्किलिंग ले सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे महिलाओं का सेफ्टी के रिगार्डिंग भी इश्यूज है, तो सेफ्टी को और भी ध्यान देंगे कि सुरक्षा के ऊपर भी फोकस किया जाए। देन उन लोगों का जो हैंड होल्डिंग है, उनको आगे में पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए। जैसे कि एक मिशन शक्ति स्कीम शुरू हुआ था, वो परकुलेट नहीं हो पाया, तो उसी तरह से क्या स्कीम्स करेंगे ताकि महिलाओं तक ठीक से पहुंच पाए एंड सबका एम्पावरमेंट हो पाए।